साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए। मैं आज हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इस मानसिक बीमारी के बारे में बात करेंगे। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें मनस्थिति में बदलाव आ जाता है और हमारे भावनाओं का उतार चढ़ाव हमको दिखता है। संक्षिप्त में अगर बात करें तो भावनाओं, बर्ताव और हमारे मनस्थिति में अस्थिरता आ जाती है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर यानी एक्चुअली अगर कहा जाए तो टू पोल्स, बाइपोलर यानी दो पोल्स, हाई पोल या लो पोल। हमको मैनिया मिलता है जिसको हम हाई स्टेट कहते हैं और डिप्रेशन मिलता है जिसको हम लो साइड कहते हैं। तो बाइपोलर के दो पोल्स होते हैं, एक तो मैनिया, दूसरा डिप्रेशन। 100 में से एक व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। बाइपोलर में अलग अलग प्रकार है, उसमें से मुख्यतः दो प्रकार है, एक तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, दूसरा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में व्यक्ति को मैनिया का एक एपिसोड आता है और उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए चलता है और वो कुछ दिनों तक चलने के बाद वो नॉर्मल पे आ सकता है। अब ये जो मैनिया का एपिसोड है ये 2 से 3 महीनों तक या ज्यादा समय भी रह सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि वो अपने आप ठीक हो जाता है व्यक्ति, और अगर हम उसको नॉर्मल स्टेट में मिले तो हमको थोड़ा सा भी शक नहीं होता है कि इसको मैनिया का अटैक आ चुका है या डिप्रेशन का अटैक आ चुका है या उसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है। अब मैनिया के बाद कुछ समय तक नॉर्मेलिटी के बाद डिप्रेशन भी आ सकता है, और डिप्रेशन जब आता है वो लो स्टेट में चला जाता है। तो ऐसा ये मैनिया और डिप्रेशन, ऐसा दोनों हमको बाइपोलर 1 में दिखता है। अब बाइपोलर 1 जो है इसमें 100 में से 4 लोगों को बाइपोलर 1 होने की संभावना है। दूसरा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि डिप्रेशन तो हमको तीव्रता जो रहती है वो मिल जाती है, लेकिन वो नॉर्मल में आने के बाद बीच में हमको मैनिया नहीं मिलता है, मैनिया जैसी तीव्रता नहीं होती है, लेकिन हाइपोमैनिया के एपिसोड्स मिलते हैं, यानी मैनिया से कम तीव्रता के एपिसोड्स, लेकिन वो पेशेंट नॉर्मल पे नहीं रहता है। ऐसा डिप्रेशन और हाइपोमैनिया, इसको बाइपोलर 2 कहते हैं। अब जो ये प्रॉब्लम्स है ये कहीं ना कहीं, जैसे पूरा हम साइकेट्री के बारे में बात करें तो साइकेट्री प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं या एनवायरमेंट रिलेटेड होते हैं, हेरिडिटी रिलेटेड होते हैं, तो इसके भी कारण उसी समान हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मैनिया में हमको क्या क्या लक्षण दिखते हैं, तो मैनिया यानी हाई स्टेट में हमको वो व्यक्ति एक्साइटेड होता है, ज्यादा खुश होता है, ओवर एक्टिव होता है, ओवर टॉकेटिव होता है, उसको नींद की जरूरत कम हो जाती है और वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, खुद को बड़ा आदमी समझने लगता है या इंसान समझने लगता है, उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, वो किसी के सुनने में नहीं रहता है और वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अगर उसने किसी ने उसको अपोज करने की कोशिश की तो वो एग्रेसिव या वायलेंट भी हो जाते हैं। वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, अचानक से घर में बड़े बड़े खर्चे दिखते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे खर्चे करते हैं, कर्जा कर देते हैं, घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी वो रुकते नहीं है। ये है मैनिया स्टेट। और जो डिप्रेशन है तो डिप्रेशन एकदम लो स्टेट है, मैनिया के एकदम विरुद्ध, जिसमें वो व्यक्ति एकदम शेल में चला जाता है, लो सैड फील करता है, जिसको बोलते हैं उदासीनता, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता किसी चीज में, उसको नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी कुछ जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, उनको सुसाइड लेने, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। तो ये था डिप्रेशन के लक्षण। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम अगर बात करें तो काफी बार ऐसा होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटिव्स को समझने में ही टाइम लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ समय तक अटैक्स रहते हैं और बीच में वो कम्प्लीटली नॉर्मल भी रहते हैं, इसलिए रिलेटिव्स को ये पकड़ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम है,
उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं भूत बाधा तो नहीं है या फिर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है और वो बाबा भगत करते रहते हैं। उनको समझने के लिए टाइम लग जाता है और समझते हैं तो वो साइकेट्रिस्ट के पास लेके भी आते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास अगर वो मैनिया में और डिप्रेशन में रहे तो ज्यादातर उनको एडमिशन की ही यानी हॉस्पिटल एडमिशन की ही जरूरत पड़ती है और उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है, क्योंकि मैनिया के अगर पेशेंट्स रहे तो वो इतने ओवर एक्टिव रहते हैं, सुनते नहीं है, एग्रेसिव रहते हैं, वॉयलेंट रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं कंप्लीटली नॉर्मल हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम घर वालों को होती है, ये उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए उनको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर डिप्रेशन के पेशेंट्स आए तो डिप्रेशन के पेशेंट्स में सुसाइडल थॉट्स भी रह सकते हैं, तो वो सुसाइड के चांसेस होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने के। तो इसलिए हमको एडमिशन करके अगर हम ट्रीटमेंट करें तो फास्ट रिकवरी मिलता है और सुपरवाइज्ड मेडिकेशंस हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। उसके साथ अगर हम सिर्फ फार्माकोथेरेपी यानी मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन में मूड स्टेबिलाईजर्स है जो हमारा मूड हाई और लो ना रखते हुए बैलेंस स्टेट में रखने की कोशिश करता है, उसको मूड स्टेबिलाईजर्स कहते हैं। दूसरा है एंटीसाइकोटिक्स, यानी अगर मैनिया में है तो इरिटेबल रहते हैं या फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं या फिर एग्रेसिव रहते हैं, इसलिए उनको एंटीसाइकोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। एंटी डिप्रेसेंट्स देने की जरूरत पड़ सकती है अगर डिप्रेशन में वो पेशेंट है तो। और नींद ना आने की वजह से हम उनको स्लीपिंग टैबलेट्स यानी बेंजोडाइजेपिन्स भी देते हैं। अब कुछ लोगों को जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन में अगर है तो वो सुसाइडल रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे हम शॉक ट्रीटमेंट भी कहते हैं वो भी देने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी एक प्रकार की ट्रीटमेंट उनके लिए हो सकती है। अब ये सब के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि रिलेटिव्स और पेशेंट का साइको एजुकेशन। जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव्स को ये बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है, अगर उनको मैनिया में या डिप्रेशन में वो व्यक्ति मिलता है तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हमने क्या करना है। तो इसलिए साइकेट्रिस्ट का यही काम है यानी हमारा यही काम है कि उनको एजुकेट करना कि ये जो बीमारी है ये ऐसी पोल्स जैसे मैंने कहा कि एक तो एक्सट्रीम्स में चलती है और नॉर्मैलिटी में रहती है बीच में, इसलिए उनको ये हमको बताना पड़ता है कि अगर फिर भी अगर पेशेंट नॉर्मल पे है तो ट्रीटमेंट ठीक से करें, ट्रीटमेंट प्रॉपर करें ताकि हमको जो एपिसोड्स है वो ना मिले, वो पीक्स ना मिले और वो पेशेंट नॉर्मल रहे ज्यादातर। और दूसरा है पेशेंट को भी एजुकेट करना पड़ता है कि अगर वो मैनिया में है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और रिलेटिव्स को उसकी तकलीफ होती है या डिप्रेशन में चला गया तो उसको तकलीफ होती है और रिलेटिव्स को होती है, तो मेडिसिंस ना बंद करे और मेडिसिंस प्रॉपर जैसे डॉक्टर ने या साइकियाट्रिस्ट ने जैसे प्रिस्क्राइब की है वैसे ले ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में जानकारी। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए है या इसके बारे में बात करनी है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा केड़कर हॉस्पिटल का नंबर है 9503309619। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी यानी सही जानकारी पहुंचे और जो उनके मन में गलत फहमी है वो दूर करने की हम कोशिश करते हैं। नमस्ते।